into a chamber where the silent moonlight falls on the floor. Are mysterious footsteps and whispers along the walls. Out of mine at times is haunted by phantoms of the past. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKR हिस्ट्री में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई RKR। वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लिप देखो आप, समझ में नहीं भाई वापस आ सकती है भाई, वहां से ओए ओए भाई। Each heart has its haunted chamber where the silence। तो दोस्तों आपने ये क्लिप देख ली, मैं और मेरे दोस्त हम जा रहे थे कोई लोकेशन को शूट करने के लिए यार। वहां पर बीच रास्ते में ये जो डोल है ये मिली और इसके अंदर मेरे को जहां तक लग रहा है किसी ने काला जादू करा और छोटे बच्चे की जो रूह है, आत्मा है, वो इस डोल के अंदर डाली गई। ये 101% रियल है, ठीक है। मैंने स्टोरी भी लगाई थी यूट्यूब पर। उस डोल को उठाकर हम नहीं ला सकते थे, पर हमारे पास में अभिमंत्रित जल था जो कि हमारे गुरुदेव का दिया हुआ, वो जल हमने उस पर डाला। उस डोल को उठाकर एक सुनसान रूम के अंदर लाके रखा, पर हम रात को लेट हो गए थे, समथिंग 1-1.5 बजे का टाइम था, इसलिए उस रूम से निकल गए। वो रूम है जहां पर मैं बैठा हूं, पीछे अकेला हूं, कैमरा सामने रखा हुआ है। अगर उस डोल के अंदर कोई सच में कोई आत्मा है तो आज उस स्पिरिट को बुलाएंगे, ठीक है। उस आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं बात करने की कोशिश करेंगे। वो डोल इस रूम के अंदर रखी हुई है, वो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इतनी रात को ठंड के मौसम में भाई जंगलों के अंदर जाके, सुनसान जगह पर जाके शूट करना यार खतरे से खाली नहीं है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भाई को फॉलो कर लो। जो फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो भाई फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना यार। अब चलते हैं रूम के अंदर, ठीक है। आगे क्या करता हूँ आगे दिखाऊंगा, बस सबसे पहले उस डोल को दिखाता हूँ यार, ठीक है। काफ़ी काफ़ी डर है दिल के अंदर कि अभी आगे क्या होगा, ठीक है। टाइम की बात करें तो 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर ज़्यादा स्टे नहीं करूँगा उस डोल के साथ में, ठीक है, क्योंकि तो कुछ भी हो सकता है यार। तो बस अंदर चलते हैं। पहले दिखाता हूँ आपको रूम की कंडीशन, ठीक है भाई साहब। लाइट नहीं है इसके अंदर, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, पर लाइट नहीं है। और इसकी जो कंडीशन है वो देखो आप, नया रूम है ये। थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो है गूंज रही होगी, बाकी इस डोल को रख के हम कहाँ गए थे, सामने, ठीक है, इस तरफ के अंदर जंगल पड़ा है पूरा। और ये देखो आज हवा भी चल रही है यार, ठीक है। इसके पीछे वो डोल है भाई, ओ भाई साहब, सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, कसम से बता रहा हूं ऐसा लग रहा है कोई बच्चा बैठा है।
इस ढोल को आज आपको पास में से दिखा रहा हूं मैं यार। मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूं पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसको टच करूं, पर फिर भी मजबूरी है। दोस्तों एक चीज है, यहां पर ये क्रॉस का निशान जो है वो कैसे है मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसका चेहरा बिल्कुल बद्दा बद्दा सा लग रहा है भाई, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या है। बाकी यहां पर इसके अंदर जो आत्मा है, रूह है, उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों इस ढोल को जो है मैं रखने वाला हूँ भाई यहाँ पर। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, सीधी हो जाओ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अब मैं अपना जो कैमरा है वो लगाने वाला हूं भाई। तो फाइनली यार मेरे को जो अरेंजमेंट करना था कि मेरे को एक मोमबत्ती जलानी थी, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं, आपके सामने ढोल पड़ी है, मोमबत्ती जला दी है, ठीक है। और मैं बैठा हूं, कौन है? क्या इस ढोल के अंदर कोई आत्मा है, कोई रूह है? क्या आप जो भी हो इस ढोल के अंदर हो? मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवालों के जवाब दें। अगर इस ढोल के अंदर कोई भी आत्मा रूह है, कौन है? दोस्तों वापस क्या करते हैं यार, क्या इस ढोल के अंदर कोई भी आत्मा है? यार ये क्या हो रहा है यार, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो सवालों के जवाब दें। कौन हो आप? दोस्तों की कैमरे में रिकॉर्ड हुई है यार जो भी चीज है, जो क्या आपको काला जादू करके इस ढोल के अंदर डाला गया, आपकी जो आत्मा है उसको?
ओ भाई दोस्तों क्या आप छोटे बच्चे के आत्मा हो ये मेरी तरफ देख लीजिए दोस्तों और इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रही है यार कैमरे के अंदर देखो मैं माफी मांगता हूं कि मैं मजबूर हूं अगर आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है नारियल दोस्तों ये नारियल पता नहीं कहां से आया कौन है ओए देखो मैं माफी मांगता हूं दोस्तों ओ भाई काफी ज्यादा डर गया मैं वहां से दौड़ कर निकला हूं ठीक है और यार क्या घुस गया था उस डोल के अंदर वो हवा में उड़ रही थी वो मतलब नाचने लग गई थी वो डोल यार मैं उस रूम को छोड़कर वहां से 200 मीटर दूर आ गया हूं वापस गाड़ी खड़ी है वहां पर अंदर बैठ के वापस इंटरव्यू दे रहा हूं यार दिमाग खराब हो गया कसम से बता रहा हूं यार था क्या उस डोल के अंदर मेरे ये समझ में नहीं है भाई दोस्तों कमेंट करो वापस कि मैं यहां पर आऊं इस डोल के पास में या नहीं आऊं ठीक है और विद अशोक भाई के साथ में ठीक है ना क्योंकि मैं वापस आके रिस्क नहीं लेना चाहता अकेला बाकी यार जो था आपकी आंखों के सामने कैमरे के सामने मेरी आंखों के सामने यार कसम मेरा दिमाग खराब हो गया पूरा मैं कसम से मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ना मैं करूं क्या उस ढोल की पास में जाने की हिम्मत नहीं रही मेरे को हो सकता है कि उसके जो अंदर आत्मा है उस आत्मा को मैंने जगा दिया हो यार ठीक है और वो नारियल कहां से आया मेरे समझ में नहीं आ रहा यार वो नारियल हे भगवान उस रूम के अंदर आवाज जाने लग गई थी ऐसा लग रहा है कि कोई हॉन्टेड रूम हो भूतिया रूम हो यार ठीक है मतलब उस रूम के अंदर कोई आत्मा का पहरा हो यार मतलब इस डोल को अगर मैं घर पे लेके जाके रख दूं तो वहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है यार ठीक है तो कमेंट करो फटाफट और बताओ कि क्या था ये क्या नहीं था यार ठीक है मेरे दिमाग के पूरा बाहर है कि क्या हुआ मेरे साथ में मैं मेरा दिमाग सुन हो रखा है कसम से बता रहा हूं तो वीडियो देखो यार फटाफट आप